नरकटियागंज नगर के विभिन्न छठ घाटों पर छठ व्रतियों ने धूमधाम से सूर्य को संध्या अर्घ्य देकर प्रारंभ किया छठ व्रत। नरकटियागंज के सभी घाटों को आपसी सहयोग से सजाया गया है। चार दिनों का यह पर्व आज संध्या सूर्य अर्घ्य के साथ प्रारंभ हो गया तथा सूर्य उदय के साथ इस पर्व का समापन गुरुवार को हो जाएगा। वहीं नरकटियागंज नगर के नंदपुर खोड़ी छठ घाट पर छठ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। छठ घाट पर विभिन्न व्यवस्थाएँ की गई हैं। जो छठ घाट पर छठ व्रतियों व श्रद्धालुओं के लिए मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि छठ का व्रत महाभारत काल से ही माना जाता है। द्वापर युग में पांडवों की माता कुंती ने यह व्रत किया था। सूर्य के संध्या अर्घ्य के साथ प्रारंभ हुआ छठ पूजा। पैर टूटने के बावजूद भी उत्साह के साथ दिया सूर्य को अर्घ्य। गौनाहा प्रखंड के विभिन्न घाटों पर आस्था का महापर्व छठ पूजा बड़ी धूमधाम से छठ व्रतियों के द्वारा सूर्य को संध्या अर्घ्य देकर प्रारंभ की गई। सभी घाटों को आपसी सहयोग से सजाया गया है। चार दिनों का यह पर्व आज संध्या सूर्य अर्घ्य के साथ प्रारंभ हो गया तथा सूर्य उदय अर्घ्य के साथ इस पर्व का समापन गुरुवार को हो जाएगा। मझरिया गांव के कृष्ण पाठक बताते हैं कि छठ व्रत का महत्व महाभारत काल से ही है। द्वापर युग में पांडवों की माता कुंती ने यह व्रत किया था। श्री पाठक ने बताया कि छठ पूजा सूर्य उषा प्रकृति जल वायु और उसकी बहन छठी मैया को समर्पित है। छठ पूजा में कोई मूर्ति पूजा शामिल नहीं है। सूर्य षष्ठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को मनाया जाने वाला हिंदुओं का एक महापर्व है। छठ व्रत का महत्व अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि मंझरिया निवासी आशा देवी का पैर टूटने के बावजूद भी वो छठ का व्रत उपवास की तथा सूर्य अर्घ्य भी दिया। विदित हो कि पिछले दो वर्ष कोरोना काल के दौरान सभी छठ व्रती अपने अपने घरों में ही सूर्य अर्घ्य देकर पूजा अर्चना किया था। दो वर्ष के पश्चात कोरोना काल समाप्त होने के बाद घाट पर सूर्य अर्घ्य दिया जा रहा है, जिससे लोगों में खुशी का माहौल है।